वेलकम बैक बच्चों। आपको पता है हमारी जो क से ट्रेन चली थी यूं यूं करती हुई, आज पहुंच गई है घ वर्ण पर, घ से घर। पर मैं आपको खाली घ नहीं सिखाऊंगी, मैं आपको ङ भी लिखना सिखाऊंगी। आपने सीखना है दो वर्ण सीखेंगे घ और ङ, इससे हमारी पहली लाइन के 5 वर्ण कंप्लीट हो जाएंगे। क ख ग घ ङ। ङ आज मैंने क्यों सिखाना है आपको पता है? क्योंकि ङ से शब्द तो नहीं बनता, पर इसका प्रयोग जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे फिर आपको आएगा। अभी तो हम घ से शब्दों का उच्चारण भी सीखेंगे और देखेंगे भी। तो आप तैयार रहिए, 3 हम कर चुके हैं, 2 बाकी हैं, घ ङ। चलिए पहले लिखना सीखें, फिर घ से बहुत सारे शब्दों का उच्चारण सीखें। घ लिखने के लिए देखो, जैसे हिंदी में आपको बताया मैंने, 1 2 3 3 लाइन्स चाहिए होती हैं। तो हम पहले बनाएंगे घ लिखने के लिए सी। सी बनाया, आपका जब सी सुंदर बनेगा ना तो आपकी बड़ी सुंदर सी स्माइल भी आ जाएगी। फिर हम डालेंगे स्टैंडिंग लाइन। अब आप ये देखिए, ये स्माइल लाइन नंबर 3 को टच बिल्कुल भी नहीं करेगी। ऊपर डर बना देंगे इसकी छत, डाल देंगे तो बन जाएगा घ। फिर से देखिए, पहले हम सी बनाएंगे लाइन नंबर 2 को टच करके, फिर सुंदर सी स्माइल बनाएंगे लाइन नंबर 2 को टच करेंगे, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपकी स्माइल लाइन नंबर 3 को टच नहीं करेगी। ये तो बन गया हमारा घ। और अब आपको मैं ङ बनाना सिखाऊं। ङ बनाना भी उतना ही आसान है। पहले आप स्मॉल स्टैंडिंग लाइन डालेंगे, फिर छोटा सा सी बनाएंगे लाइन नंबर 2 को टच करके, फिर उल्टा सी बनाएंगे लाइन नंबर 3 को टच करके, लेकिन इसकी पूंछ हम ऊपर ले जाएंगे और स्लीपिंग लाइन से छत डाल के यहाँ पर लाइन नंबर 2 पर डॉट, ये बन जाएगा ङ। फिर से देखिए, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, फिर हम बनाएंगे सी जो लाइन नंबर 2 को टच करेगा, फिर उल्टा सी जो लाइन नंबर 3 को टच करेगा, और उसकी निकाल देंगे पूंछ जो आ जाएगी लाइन नंबर 2 तक, फिर स्लीपिंग लाइन की छत और डॉट, बन गया ङ। ये 2 वर्ण आपने जो अभी सीखे, तो अब हम घ से बहुत सारे शब्दों का उच्चारण सीखेंगे। चलिए तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे घ से कौन कौन से शब्द बनते हैं। चलिए, सबसे पहले आया घ से घर, हमारा सुंदर घर। फिर आया घ से घोलना, मम्मी दूध में क्या घोल के पिलाती है? कॉम्प्लान की हॉर्लिक्स। जी हाँ, घ से घोलना। फिर आया घ से घड़ी, घड़ी हमें समय बताती है और ये हमें सिखाती है कि सभी काम समय पर करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो हमने क्या क्या सीखा? घ से घर, घ से घोलना, घ से घड़ी। ये क्या, घ से घंटी भी बज रही है, टन 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 घंटी बाजे। हाँ जी, घ से घंटी, घ से घास, घ से घसीटना। जब आपका पेट आपकी बात नहीं मानता, आप उसको जबरदस्ती लेके जाते हो ना, देखिए ऐसे ही घसीट के लेके जाते हो जो उसे बहुत बुरा लगता है, ऐसे मत किया करो। तो नए शब्द कौन से सीखे? घ से घंटी, घ से घास, घ से घसीटना। फिर आया घ से घूरना। जब आप मम्मी पापा की बात नहीं मानते हो तो मम्मी पापा आपको घूरते हैं, और जब मम्मी पापा आपकी बात नहीं मानते तो आप भी घूरने से कम नहीं करते। जी हाँ, घ से घूरना। फिर है घ से घुटना। अगर सोचो हमारे घुटने ना होते तो हम बैठते कैसे, पैरों को मोड़ते कैसे? देखा, बहुत ज़रूरी है घ से घुटना। फिर आया घ से घूमना। हम गोल 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 घूमते हैं, घ से घूमना। फिर आया घ से घोंसला, चिड़िया का घोंसला। घ से घोड़ा,
घर से घड़ा, घड़े में ठंडा पानी भरते हैं, फिर गर्मियां आ गई ठंडा पानी पीने के लिए। मैं भी यही कहती हूँ, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, घर से घड़े का पानी पीना चाहिए। तो बच्चों अब देखिए घर से और क्या क्या हो सकता है। घर से घटना मतलब कोई इंसिडेंट जब हो जाता है, घर से घबराना, घबराना तो हमें कभी भी नहीं चाहिए। घर से घुंघराले, जैसे गोल्डी लॉक्स के बाल थे घुंघराले बाल। घर से घायल, जब आप इंजर्ड हो जाते हो। घर से घना, घना मतलब थिक। घर से घी, मम्मी रोटी में घी लगा के खिलाती है ना। घर से घुंघरू, घर से घुसना, घर से घाव। देखा बच्चों, बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो घर से शुरू होती हैं। तो बच्चों आज मैंने आपको दो वर्ण लिखने सिखाए थे, एक तो घ और दूसरा ङ। तो आप ङ से कोई शब्द नहीं बनता, परंतु इसका यूज बहुत होता है, इसका हम उपयोग करते हैं। जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तब करोगे, ठीक है। और ये जो कवरग लाइन है जिसमें पांच वर्ण होते हैं, क ख ग घ, इसको एक ही लाइन में लिखना होता है। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, मैं आपको मिलूंगी नए वीडियो में। बाय।